हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स एक्सरसाइज 5.3। टुडे वी विल लर्न अबाउट एंगल्स। हम एंगल्स के बारे में आज सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। ये मैच करना है हमने। यहाँ देखिए, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन होती है। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल लेस देन 90। ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। रेफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, लेस देन 360। तो अब यहाँ देखिए, ये क्या लिखा है, लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। 1/4 1/4 यानी कि 90 डिग्री से छोटा। जब हम कोई भी इस तरह से इस पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर हैं, हम इसका पूरा एक राउंड लगाते हैं, वैसे पूरा एक राउंड, तो ये 360 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। तो 1/4 इसके फोर पार्ट हमने यहाँ कर दिए, देख रहे हैं फोर पार्ट, ये 1, 2, 3, 4। तो लेस देन 1/4, यहाँ क्या लिखा है, लेस देन 1/4 ए रिवोल्यूशन ऑफ ए रिवोल्यूशन। तो इसमें हमें क्या करना है, 1/4, ये 1/4 यहाँ से लेके यहाँ तक है, इससे कम हो, इससे कम का मतलब है 90 से कम, तो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। तो आप यहाँ देखिए, एक्यूट एंगल यहाँ है, तो इसको इसके साथ ऐसे हम इसको मैच करेंगे। दूसरा देखिए, मोर देन हाफ ए रिवोल्यूशन, हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, मोर देन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन। हाफ कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक गए हम 1/4, यहाँ गए हम हाफ, ये आधा हिस्सा हो गया ऊपर वाला। तो मोर देन इस आधे से अधिक है, मोर देन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, आधे से अधिक है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये जो है आपका, ये हाफ है, हाफ रिवोल्यूशन। तो हाफ से मोर देन अधिक है, तो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो ये है हमारे पास, इसको इसके साथ मैच करेंगे। ये मैच वाला काम हमेशा पहले पेंसिल से करना चाहिए, कहीं गलती ना हो जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखें कभी भी। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है सीधा, ये है स्ट्रेट, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल जो बना है ये 180 है, यानी इसको हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन। तो ये इसका आंसर सी से हम इसको मैच करेंगे, ऐसे हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन समझ में आ गया होगा, आधा हिस्सा। अब अगला है 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। 1/4 एक हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें देखिए, 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन कौन सा होगा, ये वाला होगा, राइट एंगल 90 डिग्री का, ये डी के साथ मैच होगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है, बिटवीन 1/2 एंड 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। 1/2 और 1/4, 1/2 यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, यानी 180 एंड 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। 1/4 हुआ यहाँ, ये है आपका 90, तो 90 और 180 के बिटवीन में जो होगा, इन दोनों के बीच में, ये ध्यान रखना यहाँ, 90 एंड 180, इन दोनों के बीच में, ये 90 है, ये 180 है, इन दोनों के बीच में 1/2 हो गया ये 180 और 1/4 हो गया 90, इन दोनों के बीच में जो होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, वो कहलाते हैं एक्यूट। तो यहाँ हमारे पास जो एक्यूट एंगल है ये लिखा हुआ है, इसको इसके साथ हम मैच करेंगे। ये अब इसमें एक पार्ट और लिखा है एक्स्ट्रा कंफ्यूज करने के लिए, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है वो किसके साथ मैच करना है। लेकिन यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 है, इधर 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन मैं यहाँ पर इसका आंसर आपको दिखाने के लिए यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ लिख सकते हैं हम 360 डिग्री, ये जो होता है, ये होता है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। यदि हम यहाँ, ये पूरा 1 राउंड होगा, तो इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर 360 का, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है 90,
यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, 180 में हम फिर 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, और फिर 90 ऐड करेंगे तो 360, पूरा कंप्लीट वन राउंड। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रेफ्लेक्स। ये हमें इनमें से बताना है। अभी जो अब तक हमने इस मैच में हमने सीखा है सभी एंगल्स के बारे में आपको हमने बताया है, तो यहाँ हमें बताना है ये किस प्रकार का एंगल। आप यहाँ देख रहे हैं ये लेस देन 90 है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। इसके नीचे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। ये इसका आंसर है। इसमें देखिए ये वाला जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90। हम इसको यहाँ से देख लेते हैं एक बार। ये हमारे पास एक प्रोट्रैक्टर है, तो इसमें क्या करना है, ये जो नीचे ब्लैक लाइन है जिसके सामने जीरो लिखा है, इसको इस लाइन के ऊपर प्लेस करेंगे और ये कॉर्नर जो है ये यहाँ आएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें 90 ये है, क्लियर आपको दिख रहा है ये 90 का, तो इस 90 से ये बड़ा है, ग्रेटर है, ये वाली लाइन जा रही है। तो इसको हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ऑब्ट्यूज एंगल, इस पार्ट के सामने भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा ये किस प्रकार का एंगल है, ये 90 डिग्री का है, आपको दिख रहा है यहाँ 90 डिग्री का एंगल। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कैसे इसको हम मीजर करेंगे। ये वाली जो ब्लैक लाइन है ये जीरो पर जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ रख दिया हमने, और आप इसको ध्यान से देखिए, ये ब्लैक लाइन के नीचे जो हम नीचे ब्लू लाइन है ये ढक गया है पूरी तरह से। यहाँ से देखिए ये जो नीचे ब्लू लाइन है ये 90 के सीध में है ये, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, तो इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। क्लासीफाई बताना है कि किस प्रकार के एंगल है। अब यहाँ देखिएगा ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं। यदि हम इसको ऐसे डॉट डॉट यहाँ करते हैं तो ये नीचे वाला पोर्शन 180 का है, ये देखिए ध्यान से, ये पूरा हाफ रिवोल्यूशन है इस पॉइंट पर, ये हाफ रिवोल्यूशन है, तो इतना हिस्सा ये फालतू है, तो हाफ से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 180 है। तो ऐसे एंगल को जो ग्रेटर देन 180 होते हैं इनको बोलते हैं हम रेफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ लिखेंगे हम रेफ्लेक्स एंगल, ये रेफ्लेक्स एंगल हैं। आ गया होगा समझ में। ये अंदर वाला जो है ये एंगल नहीं है, ये है जो ये दिखा रखा है। अब आइए नेक्स्ट ई, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है इस पॉइंट पे, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है, आधा है ये, तो ये 180 का है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। इसके आगे लिखेंगे यहाँ स्ट्रेट एंगल। आ गया होगा समझ में। अब ये देखिएगा ये जो एम के शेप में जो बना हुआ है यहाँ, ये वाला जो एंगल है ये लेस देन 90 है, दिख रहा है आपको 90 है, और ये भी लेस देन 90 है, तो ये एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं हम एक्यूट एंगल्स, एंगल नहीं एंगल्स, क्योंकि यहाँ दो एंगल हैं। तो ये समझ में आपके अच्छी तरह से आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये 5.3 में दो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली एक्सरसाइज 5.4 क्लास 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द मीजर ऑफ। आप राइट एंगल के बारे में सीख चुके हैं, ये जो मीजर है माप होता है राइट एंगल का, ये होता है 90 डिग्री का। तो हम यहां हमने आंसर लिख दिया 90 डिग्री। अगला स्ट्रेट एंगल जो एक सीधी लाइन बनाती है वो एंगल होता है 180 डिग्री का। हमें यहाँ एंगल के माप लिखने हैं, मीजर। सेकेंड क्वेश्चन, से ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। द मीजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रू,
ट्रू है ये स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ये लेस देन है तो ये यहाँ फॉल्स है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़े होते हैं। आप इसमें भी देखिएगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से जितने भी छोटे होंगे, 89 है, 88 है, ये सारे जीरो तक, ये सारे एक्यूट कहलाएंगे। जो 90 से बड़े होंगे वो ऑब्ट्यूज कहलाएंगे, 90 से बड़े, 180 से छोटे, लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90, तो इसके बीच के जो जितने भी एंगल होंगे ऑब्ट्यूज कहलाएंगे। तो यहाँ ये कह रहा है कि लेस देन है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट, द मेजर ऑफ ए रेफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 ट्रू, रेफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से बड़े होते हैं। ये देखिए, ये जो है 180 है, 180 से जो ज़्यादा बनेंगे एंगल इस पॉइंट पे, वो सारे के सारे रेफ्लेक्स कहलाएंगे। लेस देन, ये राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, 360 का बनेगा, तो लेस देन 360, ग्रेटर देन 180, ये रेफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे बीच वाले सारे, इसके 180 से ग्रेटर देन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट डाउन द मेजर ऑफ, यहाँ भी हमें कुछ माप बताने हैं, सम एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल लेस देन 90 होते हैं, तो हम 90 से लेस देन जितने भी होंगे हम 89 लिख दें, यहाँ 35 लिख दें, 1 डिग्री लिख दें। आप इसमें लेस देन 90 लिख सकते हैं, कोई भी एंगल आप यहाँ लिख सकते हैं, 37 डिग्री। सम ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90, 90 से बड़े, 91 ले लीजिएगा, 110, 135, तो 179, 180 से छोटे हो गए ना ये सारे के सारे, ये ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, मेजर ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेजर, हमें यहाँ पर इनके माप बताने हैं, तो प्रोट्रैक्टर से हम इनको नापेंगे फिर बताएंगे आपको। हम प्रोट्रैक्टर लिखते हैं, ये ए पार्ट है, पहले हम इसको मेजर करते हैं, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमें बताने कितने का होगा। तो आप देखिएगा ध्यान से कैसे करना है इसको, ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन जीरो लिखा है, ये इस लाइन के ऊपर आएगा, इस किरण के ऊपर आएगा रे। तो आप देखिए कैसे कर रहे हैं हम इसको, ये जीरो, ये ढक गया पूरा ब्लैक लाइन से, देख रहे हैं ना ध्यान से, ये जो जीरो वाली लाइन है ये ब्लू लाइन के ऊपर, ये देखिए। अब इधर से देखिए कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जीरो, 10, 20, 30, 40, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये है 40 डिग्री का। अब इसका बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट यहाँ है, इसको भी इसी तरह से करना है। ये जो इसका नाम हम यहाँ ओ लिख देते हैं, इस पॉइंट का नाम। अब ये जो रे है इसको इस ब्लैक लाइन प्रोटेक्टर के जिसके सामने जीरो लिखा है, इसको इसके ऊपर लिखेंगे, ब्लू लाइन के ऊपर रखेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, ये प्लेस कर दिया हमने सही, ये पॉइंट है, ये जीरो है। अब यहाँ देखिए आप, इधर से हम चल रही है हमारी काउंटिंग, जीरो, 10, 40, 50, 90, 100, 130, 140, इन दोनों के बिटवीन है यहाँ, देखिए ये, तो ये है 135। तो इस प्रकार के एंगल आपके बुक में जो बने हुए हैं उनको मेजर करके आपने लिखना है, आपके बुक में जो हैं, जरूरी नहीं है वो इतना ही हो, आप प्रोटेक्टर की मदद से हेल्प लेके उसको आप मेजर करेंगे, मापेंगे। अब देखिए अगला सी पार्ट, वैसे तो हमें दिख रहा है ये 90 डिग्री का है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार प्रोटेक्टर की मदद से हम इसको चेक करते हैं। देखिए ये जीरो वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा, इस एरो के ऊपर, एरो वाली लाइन के ऊपर आएगा ये, ठीक से आ गया, ये देखिए। अब देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, दिख रहा है आपको ये लाइन, जो ऊपर को लाइन जा रही है 90, तो ये यहाँ लिखेंगे हम, ये राइट एंगल है, हमने लिख दिया है यहाँ 90 डिग्री।
इनके मीजर माप लिखना है हमने, ये नहीं बताना कि एंगल एक्यूट है ऑब्टूज है, हमें उनके माप बताने हैं कि कितने डिग्री के हैं। अब देखिएगा यहाँ डी लास्ट है, ये डी, ये देखते हैं कितने का होगा। तो इसमें एक जो स्ट्रेट लाइन है सीधी, हम ये ऐसे ले लेते हैं, इस लाइन को हम ऐसे रख लेते हैं। ये नीचे देखिए जो एरो वाली लाइन है, इधर ये जीरो है, इसके ऊपर आएगा प्रोटेक्टर, ध्यान से देखिएगा ये, और दूसरी लाइन ये जा रही है ऊपर को, थोड़ा सा आप हिला के देख सकते हैं, ये देखो एरो दिख रहा है आपको, ये इस तरह से। तो हम जब हमारे पास इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 180 से नहीं, जीरो से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये आपका जो एंगल है ये है 60 का। अब हमें ये वाला एंगल देखना है कि ये कितने का है। तो देखिए इसको ऐसे रखेंगे, इस एरो वाली लाइन के ऊपर ये जीरो वाली लाइन आएगी, और ये जीरो जो है यहाँ होल है जो, ये इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, देखो ध्यान से, ये आ गया बिल्कुल। ये लाइन कहाँ को जा रही है ज़रा ध्यान से देखना, ये जा रही है इधर ऐसे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, जीरो वाली लाइन जीरो, ये 100, 110, 130, 120, 120, 130 है, इसको आप देख लो ध्यान से, 130 है ये, 130। देखो इसको थोड़ा सा, ये देखिए दिख रहा है नीचे ब्लू लाइन, इसको फिर से लाइए, ये तो ये है आपका 130 डिग्री। आपकी बुक में जो एंगल हैं आपने उनको मेजर करना है, और फिर ये एंगल अपनी फेयर नोटबुक में इनको नोट करना होता है। अब देखिए, अब रह गया हमारे पास लास्ट वाला, ये वाला, ये कितने का है, इसको देखिएगा कैसे मेजर करेंगे। फिर वही इस लाइन के ऊपर हम इसको रखेंगे, लाइन सेगमेंट के ऊपर, ये लाइन सेगमेंट है, इसकी जो लेंथ है वो फिक्स है, ये हमने रख दिया यहाँ देखिए ब्लू लाइन के ऊपर, ये जीरो से करेंगे स्टार्ट। तो ये ध्यान से रखिएगा इसको, ये इस तरह से पूरी तरह से ढक गया, आप देखो एक ये है और एक ये है जीरो, तो ये 90 का है, यहाँ लिखेंगे हम 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने मीजर ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो, इनको हमने माप लिया है यूजिंग द प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर जिसको डी बोलते हैं, इसकी मदद से, एंड राइट डाउन द मीजर, और उनके माप हमें लिखने थे। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपके समझ में आ गए होंगे ये सभी 5.4 के 4 सम्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।